पीएलजी के स्वर्णिम शतक 100th ग्लोरियस नॉन स्टॉप वीक के मौके पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पीएलजी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से पैमाने से हुई, मगर देखते ही देखते इन 100 हफ्तों में पीएलजी एक वैश्विक संस्था बन गई। पीएलजी का यह सफर बहुत ही चैलेंजिंग रहा, मगर पीएलजी इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए बहुत आगे तक बढ़ गई और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह वो आगे बढ़ती रहेगी। इस मौके पे मैं एक शेर आप सबकी नजर करता हूं। न तपते हम जो सहरा में, न तपते हम जो सहरा में, न जलते आग में गर हम, न तपते हम जो सहरा में, न जलते आग में गर हम, सलीबों पर न चढ़ते जो मसीहा कैसे बनते हम, सलीबों पर न चढ़ते जो मसीहा कैसे बनते हम। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, पीएलजी की स्वर्णिम शतक की सभी को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर मैं पीएलजी को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। पीएलजी ऑनलाइन ने तो कर दिया कमाल, पीएलजी की मिलती नहीं दुनिया में मिसाल, देखते ही देखते आ गया 100वां अध्याय, विश्वव्यापी हो गई पीएलजी, हो गई है विशाल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार बेल्जियम से, एक्टर, राइटर, जर्नलिस्ट। मैं तुफैल अहमद जी को और पीएलजी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ स्वर्णिम शतक के लिए। उन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक खास पहचान छोड़ी है, जो कोई भूल नहीं सकता, और उसके लिए उनकी पूरी टीम को उनको साधुवाद, बधाई, धन्यवाद और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। और मैं हमेशा उनके साथ दिल से जुड़ा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और सबसे जुड़े हैं। कितना वो हिंदी से प्यार करते हैं, उर्दू से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, और उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की, फिर भी हिंदी और उर्दू का मैं तुमसे क्या कहूँ, गई न मुंह से चाशनी मीठी जुबान की। तो वो दोनों से प्यार करते हैं और मैं भी दोनों से प्यार करता हूँ, और अपनी मिट्टी से हम दोनों प्यार करते हैं। और पीएलजी ने यही एक प्रेम पूरे विश्व को दिया है, और विश्व पटल से वो जुड़े हुए हैं। उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, पीएलजी परिवार के सभी सदस्यों को स्वर्णिम शतक की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पीएलजी एक ऐसा मंच है, मंच नहीं कह सकते, एक ऐसा परिवार है जहां 70-75 वर्ष के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है और 11-12 वर्ष के बच्चों का दुलार भी है। हम उम्र सखियों, साथियों का प्यार है, सहयोग है, सकारात्मकता है। तो फिर ऐसे परिवार को, ऐसे समूह को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता, जहां इतना सहयोग हो, इतनी सकारात्मकता हो, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यकीन मानिए, यही एक ऐसा मंच था, यही एक ऐसी जगह थी जहां मेरी कल्पनाओं को पंख मिले, मैंने उन्मुक्त गगन में उड़ना सीखा, मैंने अपने लिए जीना सीखा। तो मैं तहे दिल से, हृदय तल से, मैं पीएलजी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी, और आगे के कार्यक्रमों के लिए, आगे के और एपिसोड्स के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि पूर्णिमा जी, आपका पीएलजी तो धूम मचा रहा है, और जब कोई ये कहता है कि आपका पीएलजी, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पीएलजी जी, हम सबका पीएलजी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, धूम मचाता रहे,
और हम ऐसे ही मिलते रहें, जश्न मनाते रहें, पार्टियां करते रहें। नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम। मैं बेंगलोर भारत से नंद सारस्वत स्वदेशी पीएलजी के स्वर्णिम शतक के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पीएलजी दिनों दिन ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहे, इसी आशा के साथ मेरी दो पंक्तियां मैं प्रेषित करता हूं, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत पसंद की जा रही है। कि वेद पढ़ना पढ़ पर वेदना जरूर पढ़ना, कि वेद पढ़ना पढ़ पर वेदना जरूर पढ़ना, मनुष्य बनकर संवेदना जरूर पढ़ना, मनुष्य बनकर संवेदना जरूर पढ़ना। नमस्कार, आप सभी को शुभ दिन। हेलो, नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। मैं विपिन पंड्या, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सोशल ब्रांच। हमारा ये पीएलजी का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड यानी कि स्वर्णिम शतक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं प्रगति, उन्नति और हर तरह से पीएलजी आगे बढ़े ऐसी शुभकामना करता हूं, और आप सबके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। पीएलजी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है अपने मंच के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात ये इसमें नई प्रतिभाओं को जोड़ करके उन्हें मंच प्रदान करना, उनकी रचनाओं को सामने लाना और उनकी रचनाओं का वरिष्ठ रचनाकारों के द्वारा उनका अवलोकन कराना। पीएलजी इस मामले में बहुत हट करके है, और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय अनुपम रमेश किंगर जी, उनका बहुत योगदान है और वो बड़े समर्पित भाव से इस मंच के लिए काम कर रही हैं। पीएलजी समुदाय बधाई का पात्र है, और मैं इसके स्वर्णिम सत्र के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूं, और ये इस संस्था ने मुझे अपने परिवार की सदस्य की तरह जो स्नेह और आदर दिया, उसके लिए मैं इसका कृतज्ञ हूँ। सलाम अलैकुम, आदाब। पीएलजी के 100वें एपिसोड पर पीएलजी की पूरी टीम को, खुसूसी तौर पर तुफैल अहमद साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एक खता जो पीएलजी के नाम आज के दिन के लिए मैंने लिखी है, मैं आप लोगों के लिए हाजिर कर रहा हूँ कि फिक्र, सोच, कोशिश, जद्दोजहद, नई ऐजाद। फिक्र, सोच, कोशिश, जद्दोजहद, नई ऐजाद, कि पीएलजी तेरी शोहरत बहुत ज़रूरी है। फिक्र, सोच, कोशिश, जद्दोजहद, नई ऐजाद, कि पीएलजी तेरी शोहरत बहुत ज़रूरी है। साज़ो नगमा से है जिनकी हयात वाबस्ता, साज़ो नगमा से है जिनकी हयात वाबस्ता, हाँ अदब में उनकी अजमत बहुत ज़रूरी है, हाँ अदब में उनकी अजमत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, पीएलजी अपना स्वर्णिम शतक का जश्न मनाने जा रहा है, इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ एवं अपने कुछ चंद शब्द पीएलजी के लिए। पीएलजी का विश्व में, पीएलजी का विश्व में अलग बनी पहचान, जश्न मनाने जा रहा स्वर्णिम शतक महान। धन्यवाद, प्रमिला श्री। नमस्कार, मैं रजनीश गोयल दिल्ली से पीएलजी के स्वर्णिम शतक के शुभ अवसर पर अपनी दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं।
एक शायरी जिसको आप सभी ने भरपूर प्रेम दिया, आप सभी के समक्ष रखती हूँ। तेरा मेरा रिश्ता यूं के ऐसा हो नहीं सकता, अपने प्यार की बुनियाद पैसा हो नहीं सकता। जैसे करते हैं हम प्यार दोनों खूब आपस में, जैसे करते हैं हम प्यार दोनों खूब आपस में, कोई लाख जतन कर ले ऐसा हो नहीं सकता, कोई लाख जतन कर ले ऐसा हो नहीं सकता। धन्यवाद। नमस्कार, सभी मधुमत हैं इस एक आंगन में पीएलजी के, हवाओं में जहां लहरा रहे हैं सुनह मन। जी हाँ, पीएलजी एक ऐसा मंच है जो कविताओं को आमंत्रित करता है। यह छंद उपमाओं व्याकरण और शब्दकोश की बंदिश नहीं है। आपके हृदय की जो भी बातें हैं आप अपने शब्द में कहें। अगर आप अपनी कविताओं को निखारना चाहते हैं तो मेंटरशिप कार्यक्रम के द्वारा आपकी कविताओं में निखार आता है। ऐसे अद्भुत मंच को मेरा सादर नमन। पीएलजी के स्वर्णिम शतक के अवसर पर पीएलजी परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पीएलजी एक ऐसा मंच है जिसने मेरी कविताओं को और बहुत से लोगों की कविताओं को पुनर्जीवन प्रदान किया है। एक बार फिर पीएलजी परिवार के सदस्यों को स्वर्णिम शतक के अवसर पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। पीएलजी के सभी मित्रजनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज पीएलजी अपने 100 हफ्ते पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से इस परिवार को आगे लेकर चलते रहिए, इस प्यार को बांटते रहिए। इसी बात पे कहना चाहूंगा अपनी दो पत्नियां कि घूमती हवा के शोर में कभी हमारी आवाज खुल जाएगी, सितारों को जोड़कर बनाई तस्वीर कभी रोशनी में खुल जाएगी, ढूंढ लेंगे खोए वजूद को हुनर के बाजार में, हजार राहें बन मिलेंगे, कोई नई राह खुल जाएगी, कोई नई राह खुल जाएगी। तो दोस्तों, नई राहें ढूंढते रहते हैं, इस मुश्किल वक्त में साथ मिलकर चलते रहते हैं और खुश रहते हैं। इसी बात पर आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपका दोस्त कपिल नय्यर आपसे बहुत प्यार करता है। फिर मिलते हैं दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। पीएलजी के स्वर्णिम शतक के अवसर पर मौके पर मेरी दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं और एक शायरी जिसको आप सभी का भरपूर प्रेम मिला, आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा था, यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपकी नज़र करता हूँ चंद शब्द डॉक्टर नीरज सचदेवा। कोई कहता है रंजिश है इश्क, कोई कहता है साजिश है इश्क, कोई कहता है खलिश है इश्क, कोई कहता है कशिश है इश्क, कोई कहता है ख्वाहिश है इश्क, सुने तो किसकी सुने, माने तो किसकी माने। हैव अ गुड डे। दर्द दिल को मरहम चाहिए, जिक्र मोहब्बत हरदम चाहिए, फीके न पड़ जाए कहीं जज्बात, हाथों में बस लोहो कलम चाहिए। नमस्कार, आदाब। पीएलजी के स्वर्णिम शतक के अवसर पर आज जबकि हम पीएलजी का 100वां सप्ताह मना रहे हैं, तो मेरी ओर से इस अवसर पर पीएलजी के तमाम मेंबर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड और पीएलजी के तमाम कार्यकर्ताओं और ऑर्गेनाइजर्स को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश कर रहा हूं। कोरोना काल में पीएलजी ही हमारा एकमात्र सहारा रहा और इसके ज़रिए हमने कई बड़ी हस्तियों को सुना, बड़े बड़े शायर और कवियों को हमने सुना और पढ़ा, और कई अच्छी अच्छी हस्तियों को हमने बुलाया और उनके ज़रिए बहुत सारी जानकारी हासिल की। पीएलजी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी पीएलजी में शामिल किया गया है, और मैं दुआ करता हूँ कि पीएलजी का चमन यूं ही फला फूला रहे और हमें आगे बढ़े और हम सब मिलकर इसे एक
अच्छे मुकाम तक पहुंचाए। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आई एम यूसुफ, ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल फैमिली ऑफ पीएलजी। पीएलजी हैज गिवन मी माय ट्रू आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड हेल्प मी अचीव माय पैशन व्हिच वाज लॉस्ट ऑल दिस इयर्स। On this glorious occasion of completing 100 weeks of PLG by our group mentor, dear Tufel Bhai, to help us all poets across the globe come online and to bring us all on this stage, I thank him and complete team of PLG and congratulate everyone on this beautiful occasion. Thank you. Namaskar, PLG ke Swarnim Shatak Samaroh par पीएलजी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई। मुझे खुशी है कि मुझे भी पीएलजी से जुड़ने का मौका मिला, इसके कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बहुत आनंद लिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीएलजी ऐसे खूब तरक्की करे और अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़कर दुनिया में इसका नाम रोशन हो। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैंने अनेक मंचों पे काव्य पाठ किया है, लेकिन पीएलजी का मंच मेरे काव्य सफर में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यही वह मंच है जहां मैंने अपना पहला काव्य पाठ किया। पीएलजी के मंच ने मुझे पंख फैलाने के लिए एक खुला आसमान दिया। मेरी जो रचनाएं, जो कविताएं डायरी के पन्नों में बंद पड़ी थी, उन्हें घर घर पहुंचाया। पीएलजी मंच को शत शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। नमस्कार। जब से जिंदगी से वजह को निकाला है, मेरे हर काम में अब सिर्फ दिल का हवाला है। यूं तो नाखुश न थी पहले भी मैं, पर हर पल ने लेकर जिम्मेदारी जैसे अब खुद को संभाला है। दिन फैल गया सूरज के उजालों सा, रातों में अब चांदनी का उजाला है। जब से जिंदगी से वजह को निकाला है। इसी के साथ मैं स्नेहा देव दुबई से पीएलजी के मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके शतक, स्वर्णिम शतक के अवसर पर बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये साहित्य सेवा जो पीएलजी कर रहे हैं वो ऐसे ही चलती रहे और मैं उसमें हमेशा भागीदार रहूँ और हमेशा साथ रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्नेहा देव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीएलजी के सारे दर्शकों को एवं पीएलजी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज पीएलजी 100वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रही है, ये बहुत ही गौरव की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पीएलजी के स्वर्णिम अवसर पर मेरी अंजलि सारस्वत शर्मा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरी इस रचना को, जिसको आप सबका भरपूर प्रेम मिला, वो यहाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एहसास इतना आसान होता भूलना अगर, तो दामन से हर दाग मिटा देते, गम के अंधेरों को यूं पनाह न देते, उड़ जाते यूं खुले आसमान में, किसी डोर से खुद को बांधे न रहते, आंखों से बरसता ये सैलाब न होता, और खुद को अपनी ही नजर से यूं तकिए से छिपा कर न रोते, खुद को अपनी ही नजर से यूं तकिए से छिपा कर न रोते। नमस्ते पीएलजी के दोस्तों। पीएलजी के बीजारोपण पर मैं इस समूह में नहीं थी, मैं तब आई जब पीएलजी पौधा बन चुका था। अब तो यह विशाल वृक्ष बन चुका है। वर्तमान में पीएलजी की शाखाएं देश देशांतर में फैल गई हैं और फैलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं चित्रा गुप्ता, सिंगापुर से। नमस्ते। नमस्कार,
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मैं गजानन माली नई दिल्ली से। PLG ये जो ग्रुप है ये साहित्य का प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन साहित्य के प्रचार प्रसार के साथ साथ ही राष्ट्र प्रेम राष्ट्रीयता का संदेश भी पूरे विश्व में देता है। इस प्रतिष्ठित ग्रुप के साथ बेल्जियम से कवि शायर कपिल कुमार जी, जर्मनी से डॉक्टर योजना जैन जी, बहरीन से अनुपम रमेश किंगर जी, ऐसे कई दिग्गज इस PLG ग्रुप के साथ जुड़े हैं। इसके संस्थापक प्रोफेसर तुपेल अहमद जी, जी हाँ मैं उनको प्रोफेसर कहता हूँ प्यार से, क्योंकि वो ज्ञान के प्रचार प्रसार में सदा ही लगे रहते हैं, सबको जोड़ते हैं, वासली माली है हिंदी साहित्य के। तो PLG जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि आप ये शतक की ओर अपना अग्रसर हो रही है, और मैं ये चाहता हूँ दिल से ये संस्था 100 साल तक चलती रहे और उसके आगे भी चलती रहे। आप सभी इस दशम को मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। नमस्कार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा PLG परिवार हमारा, शेर गजल किस्सा कविता फैशन शो का अद्भुत संगम PLG परिवार हमारा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा PLG परिवार हमारा, जब जब भी विचलित हुई मैं तुमने ही धैर्य दिया, मेरी वाक कला को तुमने ही मुखरित किया, मेरी तमन्नाओं की तस्वीर PLG, हम सबके ख्वाबों की तावीर हो PLG, स्वर्णिम शतक हम सबको मुबारक, आपको भी और हमें PLG चिरंजीवी भव, PLG आयुष्मान भव, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कविता गीत गजल, कभी हंसी के ठहाके तो कभी नयन सजल, कभी होती है मन की बात तो कभी एहसास हो जाते हैं जज्बात। PLG ग्रुप आज अपने शतक के धमाल से करने जा रहा है कमाल। तुफेल सर की अध्यक्षता और टीम का साथ हर शनिवार और रविवार को बनाते रहे बेमिसाल। बस बस कुछ घंटे और, बस कुछ घंटे और फिर प्यारा सा होगा इकरार। तो खत्म होने जा रहा है इंतजार, PLG के स्टार मित्रों का यह संसार करेगा 100वें एपिसोड के साथ अपना साक्षात्कार। अनूठा होगा मंच, जी हाँ अनूठा होगा मंच, फैशन शो का क्रंच खूबसूरत रंगी होगा ये प्यारा सा बंच, और कर्ण युवा कर्णधार भी देंगे इसमें अपना टंच। नमस्कार, मैं स्मिता चौधरी ताशकंद उज्बेकिस्तान से। PLG और PLG से जुड़े सभी को मैं स्वर्णिम शतक की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपके सामने एक अपनी कविता की चार पंक्ति लाई हूँ, जो कि यह है। हम भारतवासी हैं, भारत के ही गीत गाएंगे, धर्म चाहे जो भी हो, रहते हैं हिंदुस्तान में तो हम हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे। धन्यवाद।